नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का वादा है सनातन धर्म को नष्ट करना। कांग्रेस ने वादा खिलाफी को अपनी नीति बना लिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति बनाया है। ऐसी कांग्रेस पार्टी को जनता त्याग देगी। यह बड़ा बयान सिंधिया के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति बना लिया है। कांग्रेस पार्टी को जनता त्याग देगी। यह बड़ा बयान सिंधिया के द्वारा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने शक्ति को विनाश करने का संकल्प अपना लक्ष्य बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही त्याग देने वाली है। इसका हमें पूर्ण तो सिंधिया का बड़ा बयान कांग्रेस पर निशाना साधा गया है सिंधिया के द्वारा, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जनता कांग्रेस को त्याग देगी। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुशील, बड़ा हमला बोला गया है सिंधिया के द्वारा और कहा गया है कि बहुत जल्द जनता जो है कांग्रेस को पूरी तरह से त्याग देगी, उसकी कोई नीति नहीं है। बिल्कुल सही बात। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर पहुंचे हैं। यहाँ वो बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के नामांकन में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा, और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी साफ हो जाएगी, एक झटके में साफ हो जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो इसी राहुल गांधी के बयान को लेकर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप ठहर जाइए, कांग्रेस खुद ही एक झटके में साफ होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस इतने सालों में खिलवाड़ करती रही है जनता के साथ, गरीबों के साथ, और आज देश की जो जनता है उसका भरोसा मोदी सरकार पर है। कांग्रेस सनातन के खिलाफ काम करती है, पूरा विपक्ष सनातन के खिलाफ है। यही वजह है कि अब जनता जो है कांग्रेस को पूरी तरह से इन चुनावों में साफ कर देगी, और महात्मा गांधी ने भी सपना देखा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तो वो सपना अब जो है इस चुनाव के बाद पूरा होने वाला है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तेवर थे कहीं ना कहीं आज तीखे तेवर थे कांग्रेस को लेकर, खास तौर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। और अब ग्वालियर और गुना में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है। आज भारत सिंह के नामांकन में वो शामिल हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद सीएम भी ग्वालियर पहुँचेंगे। तो निश्चित तौर पर सिंधिया जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी इस बार आक्रामक प्रचार कर रही है, और बड़े नेता भी जो है सीधे राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ सिंधिया ने भी बड़ा बयान दिया है कि अब कांग्रेस भी एक झटके में खत्म होने वाली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। खजुराहो संसदीय सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है कि सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया, तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है। उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी, आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी, आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। उनको खजुराहो सीट फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इससे उनकी हालत समझी जा सकती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में और देश में किस हालातों में चुनाव लड़ रही है। किसी को भी समर्थन दे दें कुछ होने जाने वाला नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी विजयी होंगे। खजुराहो में इंडिया गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक की माने तो समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा हुई है, और दोनों नेताओं के संयुक्त रोड शो के साथ ही उनकी अलग अलग सभा की भी तैयारी का प्रस्ताव बनाया गया है। आपको बता दें कि आरबी प्रजापति को खजुराहो से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है।
ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, हुंकार भरने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं खजुराहो, आखिर कैसी ये सभा रहेगी, किस समय रहेगी, क्या क्या रहेगा, बताइए विस्तार से। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था कि मध्यप्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट खजुराहो गठबंधन के उम्मीदवार जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को इस सीट से चुनाव लड़ना था, लेकिन उनका पर्चा जब निरस्त हो गया तो अब आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया गया है और उनके समर्थन में वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत झोंकने की तैयारी, एक प्रस्ताव तैयार कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर, जिसके तहत एक संयुक्त रैली का किया जा सकता है जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे और खजुराहो में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ खजुराहो बल्कि इससे कांग्रेस का फोकस होगा बुंदेलखंड की बाकी सीटों पर भी, वहां पर भी कांग्रेस जो है अच्छा करने की कवायद इस पूरे दौरे के जरिए करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो खजुराहो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूरा जो एपिसोड हुआ जिस तरीके से सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाया, उनकी कैंडिडेचर जो है वो निरस्त हो गया, उसके बाद से एक लंबा समय बीजेपी को वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए मिला है, तो ऐसे में अब कांग्रेस को वहां पर तेजी से समाजवादी पार्टी और इंडिया के अन्य सहयोगी जो दल हैं गठबंधन के उनके साथ मिलकर प्रचार प्रसार करना होगा, बूथ बूथ तक पहुंचना होगा, कार्यकर्ताओं की पूरी टीम बनाकर इस पूरे इलेक्शन को कहीं ना कहीं तेजी से अब प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए काम करना होगा, तभी कुछ हद तक वहां पर जो फाइट है वो नजर आएगी। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आरबी प्रजापति एक बेहतर उम्मीदवार है और वो उन्होंने उस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसलिए हम लोग ने साहस उन्हें अपना समर्थन देने का काम किया है। हालांकि देखना होगा कि ये सारी कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में खजुराहो जाएंगे, ये प्रस्ताव पर आलाकमान की मुहर लगेगी और अगर वहां पर पहुंचते हैं तो उसका कितना असर चुनावों में होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है, देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, 90 के दौर में बुलडोजर मंत्री कहलाते थे, ये पहचानना है आखिर कौन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विदिशा का जिक्र करेंगे, भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 2 किसान भाइयों की मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं, इलाज चल रहा है। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्राले ने टक्कर मार दी, गेहूं खरीदी केंद्र पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, गुस्साए किसानों ने चक्का जाम किया है, कलेक्टर को मौके पर बुलाने पर किसान अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें विदिशा की जहां पर हादसे में 2 किसान भाइयों की मौत हो गई, अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी आई टक्कर मारी और ये बड़ा हादसा हो गया। विदिशा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 घायल बताए जा रहे हैं, 2 किसान भाइयों की मौत हो गई है, तेज रफ्तार ट्राले ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से ही ये चक्का जाम की तस्वीर देखने को मिल रही है। चक्का जाम किसानों के द्वारा किया गया है, ग्रामीणों के द्वारा किया गया है और मौके पर कलेक्टर को बुलाने की मांग भी की जा रही है। विदिशा की तस्वीरें हैं, भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें जिसमें 2 किसानों की मौत, 4 घायल बताए जा रहे हैं, अनियंत्रित गाड़ी ने टक्कर मारी। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या स्थिति, क्या मामला, बताइए।
बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं बेहद ही दुखद घटनाक्रम है जहां पर जिस तरह की बात की जाए, हाल ही में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी चल रही है और इसी दौरान जो है ट्रैक्टर ट्रालियों की यहां पर लाइन जो है भोपाल और सागर मार्ग के पास की जो घटना है, त्योंदर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, संस्कार वेयर हाउस के पास जिस हिसाब से यहाँ पर ट्राली बाहर खड़ी थी और बताया जा रहा 3:30 या 4 बजे रात की ये घटना बता रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने यहाँ पर ट्राली खरीदने को रौंदा है और अन्य वाहनों को भी यहाँ पर टक्कर मारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल्स में हम देख सकते हैं जो वाहन है वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं जो दो सगे भाई थे यहाँ पर जिनकी उम्र 21 से 25 साल बताई जा रही है उनकी यहाँ पर दर्दनाक यहाँ पर घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। वहीं मृतकों के नाम बताऊं मैं आपको तो यहाँ पर कृष्णकांत और रवि जो पिता मनमोहन कुर्मी ये दोनों सगे भाई थे, इसके अलावा 4 किसान हैं वो भी यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं किसानों ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर चक्का जाम कर दिया और नाराजगी जताई है कि कलेक्टर यहाँ पर कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर किसान अड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि किसान जो कलेक्टर जो होता है जनता का सेवक होता है उसको घटनास्थल पर मौके पर आना चाहिए। हालांकि जो SDM है तहसीलदार थाना प्रभारी त्योंदा जो ML भाटी वो मौके पर पहुंचे और किसानों को कहीं ना कहीं समझाए, इसके बाद यहाँ पर चक्का जाम खुलवाया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो ट्राला जो चालक थे और जो क्लीनर थे वो यहाँ पर घटनास्थल के बाद मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी यहाँ पर तलाश जारी है। लेकिन ट्राले में यहाँ पर गेहूं भरा हुआ था और वो सागर से विदिशा की ओर यहाँ पर जा रहा था। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। और अब धार का जिक्र करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगी है, कोल्ड स्टोरेज जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। कई सालों से यह बंद पड़ा था, बता दें घंटों की मशक्कत करनी पड़ी जिसके बाद जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। बगड़ी फाटा के पास कोल्ड स्टोरेज की यह घटना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे उसी हेलीकॉप्टर की नीलगिरी में चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने जांच की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। बता दें राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे उसी हेलीकॉप्टर की नीलगिरी में चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने जांच की है, तलाशी ली है, जांच की है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई है। तो तस्वीरें तमिलनाडु की आप देख रहे हैं जहां पर यह तलाशी ली गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। बता दें जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे राहुल गांधी उसी हेलीकॉप्टर की नीलगिरी में चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की है, तलाशी ली है। ईसी के अधिकारियों ने तलाशी ली है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। तमिलनाडु में ये तलाशी ली गई, बता दें ईसी के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ईसी के द्वारा, ईसी के अधिकारियों के द्वारा ली गई है। ग्वालियर की बात करेंगे। देवरानी जेठानी ने सास को मौत के घाट उतार दिया, बहरहमी से मारपीट करते वीडियो भी बनाया, सास पर पत्थर और डंडे बरसाते नजर आई हैं दोनों बहू। वीडियो सामने आने के बाद हत्या के राज से पर्दा उठा है। वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी की तलाश अभी भी जारी है। तो देवरानी जेठानी ने सास को मौत के घाट उतार दिया और आपको बता दें अब ये पूरा जो है घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ है, वीडियो सामने आया है, बहरहमी से मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं पर ये दो बहुओं ने मिलकर सास को मौत के घाट उतार दिया। Yeah.
और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर शिकारपुर पुलिस पहुंची है। अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि मामला क्या है इस बारे में अभी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कमलनाथ, उनके निवास पर छिंदवाड़ा में पुलिस पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर शिकारपुर पुलिस पहुंची है, टीम पहुंची। अधिकारियों ने जानकारी देने से अभी इनकार कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश कर मेरे हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है, क्या है मामला, कुछ सामने आ पाया क्या? ये देखिए, रिकॉर्ड जरूर बताया, पूरा मीडिया उनसे पूछ रहा था कि आखिर क्या बात हो गई, जो चार से छह गाड़ियां पुलिस की यहाँ पहुंची हैं। तीन थानों की पुलिस थी, है इसमें एसआई से लेकर टीआई रैंक के अधिकारी मौजूद थे। उनका कहना था कि अभी कुछ बताना हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि एक शिकायत आई थी उसके आधार पर बयान लेने के लिए आए थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्रों से पता चला है, क्योंकि कोई वीडियो का मामला है जिसको लेकर पुलिस यहाँ जांच पड़ताल के लिए पहुंची, और कुछ लोगों पर मामला दर्ज भी किया गया है। जी आखिर किस चीज से मामला ये जुड़ा हो सकता है, कुछ शुरुआती ऐसी कुछ बात जो सामने आ पाई हो, हालांकि अधिकारी जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे अभी बोलने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों से लगातार इस बात को लेकर हम पूछताछ करते रहे, उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि सामान्य प्रोसेस है, एक बयान दर्ज किए जाने हैं, इसके अलावा कुछ बातचीत की जानी है, मामला क्या है इसको बताते नजर नहीं आए। उन्होंने साफ कर दिया कि आगे हम क्लियर करेंगे, अभी किसी तरह का कोई वो बात करने की स्थिति में नहीं है। जी सवाल यहाँ पर यह भी है कि कमलनाथ के जो करीबी विधायक हैं निलेश उइके, उनके गांव में भी कुछ ना कुछ पुलिस जो है ढूंढने के लिए पहुंची थी, कई सारी चीजें वहां पर खंगाली जा रही थी, आखिर क्या मायने इसके हम निकालें? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधियों से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के ये साफ बयान आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लगातार उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया, खासतौर पे नीलेश उइके ने, कि उनके यहाँ पूरे दो घंटे तक छानबीन जांच पड़ताल चलती रही। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो नीलेश उइके का कहना था, उनका कहना था कि दो घंटे बाद जब पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ तो यहाँ से मूव कर गई। लगभग यही हालत शिकारपुर के भी नजर आए, यहाँ पर पुलिस पूरी छह से आठ गाड़ियों के साथ आई और वापस निकल गई थी। जी छिंदवाड़ा चूंकि लोकसभा सीट पर लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है, और कई तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, और बीजेपी भी लगातार जो है कई सारे सवाल यहां पर उठा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कई तरह की सामग्री हो, पैसा हो, सब कुछ रखा गया है। हालांकि पुलिस पहुंची थी, पुलिस की टीम पहुंची थी विधायक के घर पर, ऐसा कुछ मिला नहीं, वहां से विधायक के घर से रवाना टीम हो गई, अब कमलनाथ के यहां पहुंची है, तो आखिर क्या यही माने कि यहां पर भी कुछ ना कुछ इकट्ठा कर करके रखा हो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए या आकर्षित करने के लिए इसी वजह से? जी देखिए, बीजेपी लगातार पिछले दो दिनों से आक्रामक है, वो लगातार इस बात की शिकायत कर रही है कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले से सारी सामग्री दी जा रही हो, पैसे बांटे जा रहे हो, और हो सकता है एक ये भी पहलू है कि 20 से 25 पुलिस वाले यहाँ पर अंदर दाखिल हुए, जांच पड़ताल हुई, तकरीबन आधा घंटे की जांच पड़ताल रही है, उसके बाद वो वापस लौटे। लेकिन जब वापस लौटे तो उन्होंने किसी भी तरह के बयान देने से इनकार कर दिया, और इतना जरूर कहा है कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। जी कल भी हमने देखा कितनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर जो है जांच पड़ताल हुई, उइके के घर की अगर हम बात करें या आसपास की बात करें, इनफैक्ट यहाँ पर नालों को भी खंगाला गया, वहां पर देखा गया कि आखिर यहाँ पर तो कुछ छुपा नहीं लिया गया। ये बड़ी बातें हैं कि आखिर इतनी गहनता से, आखिर ऐसे कहां से ये चीजें या हम कहें जो सामने आ रही हैं, जो पुलिस को एकदम से दबिश देनी पड़ी, क्या समझे यहाँ पर? देखिए चूंकि बीजेपी के जो सत्ता है बीजेपी की है, और इस समय बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो प्रत्याशी है, वो बेहद आक्रामक है। उनका कहना है कि पैसे और सारी सामग्रियों के दम पे चुनाव होते, लंबे समय से यहाँ कमलनाथ जीतते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार ये आरोप लगाए जाने लगे हैं कि पैसा और तमाम सामग्रियों के भरोसे पहले भी चुनाव लड़े जाते रहे हैं और जीते जाते रहे हैं, और इस बार भी ऐसा होने का अंदेशा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पुलिस को कहीं ना कहीं शिकायत के आधार पर इस तरह की कार्रवाई करने मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी को साझा करने के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। वासु, देखिए छिंदवाड़ा का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प है, दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से ताकत अपनी झोंक रखी है, और इसी बीच जब पुलिस पहुंचती है छिंदवाड़ा कमलनाथ के निवास पर, तो आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए?
बिल्कुल देखिए, छिंदवाड़ा में इस समय सियासी पारा जो है वो बेहद गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा जिले के ही विधायक सुनील उइके जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके यहां भी टीम पहुंची थी आबकारी विभाग की पुलिस की, वहां पे भी जांच पड़ताल की गई, सर्च की गई, और अब कमलनाथ के बंगले पर पुलिस का पहुंचना अपने आप में कई तरीके के सवाल जो है वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस को कोई शिकायत मिली है कमलनाथ के खिलाफ या नकुलनाथ के खिलाफ, क्योंकि जब सुनील उइके का मामला सामने आया था तो उसमें इस बात का उल्लेख था कि रूप से शराब जो है वो वहां पर रखी हुई हो सकती है या किसी भी तरीके से कुछ प्रलोभन बांटने की जो कोशिश है वो हो सकती है, क्या इस तरीके का कोई मामला है या फिर और कोई वजह है, इसको लेकर जो है वो शायद जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। हालांकि जब पुलिस के अधिकारियों के ऑफिशियल्स के बयान आएंगे, आधिकारिक रूप से पुलिस कुछ बताएगी, उसके बाद ही ये चीज जो है वो स्पष्ट होगी। लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा ना सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश भर में, क्योंकि कमलनाथ खुद जो मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहां से सांसद रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, और बीता चुनाव उनके बेटे नकुलनाथ ने लड़ा था, एकमात्र यही सीट थी जहां पर कांग्रेस को जीत दर्ज हुई थी, और एक इस बार फिर से नकुलनाथ जो है वहां पर प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही बदला हुआ छिंदवाड़ा में नजर आ रहा है, क्योंकि दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के करीबी है वो बीजेपी में चले गए, उसके अलावा जो विधायक थे एक मौजूदा विधायक वो बीजेपी में शामिल हो गए, विक्रम महा के जो छिंदवाड़ा के महापौर है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो सियासी हलचल सियासी सरगर्मी वहां पर काफी तेज है, और इस सबके बीच कमलनाथ के बंगले पर नकुलनाथ के बंगले पर पुलिस का पहुंचना ये कई बड़े सवाल जो है वो अपने आप में खड़ा कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी दी जाएगी कि हालांकि क्या वजह है जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचे, क्या कोई सर्च की जा रही है या फिर कोई शिकायत मिली है जिसकी जांच पड़ताल वहां पर की जानी हो, और अगर कुछ होता है तो शायद कमलनाथ और नकुलनाथ की कुछ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए चुनाव का समय है, वीआईपी मूवमेंट्स भी लगातार हैं, तो पुलिस सुरक्षा कारणों से भी कई बार जो है वो जाती है और अपनी जो रूटीन की प्रक्रिया है उनको पूरा करते हुए नजर आती है, लेकिन असल वजह क्या है इसको समझने में जानने में थोड़ा सा समय जो है वो अभी लग सकता है। जी 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 ठीक ठीक लगातार बने रहिए। अभिनव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, अभिनव जी बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ जी के निवास पर पुलिस पहुंची है और कई सारे आरोप भी बीजेपी लगा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए हताशा निराशा में लगातार बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि कल एक आदिवासी विधायक के घर पर छापामारी करी और उसमें जो कार्रवाई करी उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला, हाथ पैर मारे। अभी भी लगातार वो डराने धमकाने और तानाशाही की जो नीति अपना रही है ये अंग्रेजों की नीति पे चल रही है। अंग्रेज जैसे करते थे कि डरा धमका के इस देश की जनता को अपने कब्जे में करना चाहते थे, वैसे ही इसकी सोच अब लगातार ये दिखा रही है कि जो एक बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाने अपनी हार दिख रही है सामने, एक बहुत बड़ी हार की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब कृत्य जो कर रही है, आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा जनता इनको आईना दिखाएगी, और कमलनाथ जी के लिए जो जनता का प्यार है वो छिंदवाड़ा क्या प्रदेश क्या देश जानता है कि उन्होंने 44 साल जिस तरीके से इस देश की सेवा की है उसको पसंद कर रही है। तो अब ये कृत्य करके डराने धमकाने की राजनीति कर रही है, 2-4 दिन और कर ले। पर ये भी तो हो सकता है ना कि रूटीन चेकअप के हिसाब से किया जा रहा हो ये सब, चूंकि चुनाव आते हैं तो राजनेताओं की यहाँ ऐसी अमूमन कई बार तस्वीरें सामने भी आती हैं, तो हो सकता है पुलिस अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रही हो। दल बल के साथ पहुंचा जाता है क्या और इस तरीके से कमलनाथ जी के आवास पर पहुंचा जाता है क्या? ये मोहन ये बंटी साहू के या किसी के यहाँ कैंडिडेट के यहाँ बीजेपी के जितने कैंडिडेट है उनके यहाँ कोई जा रहा है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ भेदभावपूर्ण लोकतंत्र की हत्या करने वाला कृत्य है। लगातार वो जिस राह पे चल रहे हैं आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। जी जी ठीक 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 जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, तानाशाही रवैया आखिर कब तक चलेगा? कमलनाथ जी के निवास पर पुलिस पहुंची है, आखिर क्यों डराने धमकाने का प्रयास कांग्रेस को किया जा रहा है? ये बहुत विनम्रता से मैं जानना चाहती हूँ कि प्रश्न न्यूज 18 का है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए कांग्रेस या तो बता दे कि पुलिस क्या हर किसी के घर पर जाती है? कहीं कोई घटना घटती है, अगर पुलिस को बुलाया जाता है या पुलिस के पास सूचना होती है तो पुलिस वहां पहुंचती है। अगर पुलिस पहुंची है, कमलनाथ जी ने कोई कंप्लेंट किया तो कांग्रेस उसे बता दे, और अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आई है तो वो पुलिस क्लियर कर देगी। मुझे लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्य कर रहा है तो थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि आखिर वहां पे घटना क्या घटी है। अगर न्यूज 18 के पास जानकारी है तो मुझे भी दे दे तो मैं और स्पष्टीकरण के साथ में जवाब दे पाऊंगी। अभिनव जी, आखिर धैर्य क्यों नहीं रखा जा रहा? अरे हम तो धैर्य रखे, हमारे विधायक ने आदिवासी
जो हमारे विधायक हैं उनके साथ जिस तरीके से कल रात में देखा आपने, इनने छापामारी करी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दल बल के साथ पहुंचे, 100-150 लोग पहुंच गए, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का आदमी वहां बैठा हो। तो सोचिए, जब ऐसी स्थिति करने पे जब दल आई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उसे अपनी हार दिख रही है, तो जितना भी साम दाम दंड है, तानाशाह और जो रवैया अपनाना चाहती है, उसे साफ साफ दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हार की तरफ है। नेहा जी, एक बात यहाँ पर ये भी बताइएगा कि कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ से दिग्गज ये बयानबाजी कर रहे थे कि कमलनाथ जी के यहाँ जो बड़े नेता हैं, नकुलनाथ जी हैं या जो भी हैं, इनके यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है सामग्री रखी गई है, कैश रखा गया है प्रलोभन देने के लिए। तो ये आभास कहीं ना कहीं तभी हो रहा था कि हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी बयानबाजी कर रही है, हो सकता है यहाँ पर पुलिस धमक पड़े। देखिए, कुछ काल्पनिक नहीं है कि आभास होगा। अगर कमलनाथ जी ने वाकई में काम किया होता तो कमलनाथ जी आंसू क्यों बहा रहे हैं? अगर कमलनाथ जी ने काम किया होता तो कमलनाथ जी के कार्यकर्ता, कमलनाथ जी के लोग दारू क्यों बांट रहे हैं, शराब क्यों बांट रहे हैं? अगर कमलनाथ जी ने वाकई काम किया है तो कमलनाथ जी के लोग गुंडाई क्यों कर रहे हैं? अगर कमलनाथ जी ने वाकई काम किया है तो कमलनाथ जी के लोग कैश लेकर क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। ये बौखलाहट है, ये 40 साल की वो बौखलाहट है जिसमें लगातार जनता गुमराह होती रही, और अब जब देख रहे हैं कि हार मुहाने पे है, हारना तय है, तो अब विलाप करने में लगे हुए हैं। अभिनव जी, ऐसा तो नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में गए हैं या कमलनाथ जी को छोड़कर के जो करीबी हैं वो छोड़कर के गए तो वो रास फाश कर रहे हैं? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है अपनी, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने की राजनीति कर रही है, अपनी हार दिख रही है उसको, कुछ कर नहीं पा रही है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, लगातार मुद्दे हैं नहीं, तो अब क्या करें? डराने धमकाकर जैसे तैसे करके छवि खराब करके कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा जो भ्रम था वो टूट चुका है, 400 पार का टूट चुका है, भगवान के नाम पर वोट मांगने का टूट चुका है, अब जनता अवेयर हो चुकी है, जनता को मालूम है कि उसे क्या करना है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि द्वेषपूर्ण जो राजनीति और राजनीति को जितने नीचे स्तर पर गिरा रही है भाजपा, उससे जनता भी अब समझ चुकी है और सभी लोग समझ चुके हैं। लौटूंगी। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अपडेट यही मिल पा रहा है कि अब से कुछ देर पहले ये पूरी कार्रवाई जो है वो करने के लिए टीम पहुंची। एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर जरूर सामने आई है कि अभी जो है वो टीम जो है वो अंदर है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों एक युवक जो कैश के साथ पकड़ा था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मांग की थी कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों से कि जो कमलनाथ है या उनके जो करीबी है उनके यहाँ पर जो है वो पैसे रखे होने की बात जो उन्होंने कही थी और कहा था कि उनकी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो माना ये जा रहा है कि उसी के तारतम्य में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि देखिए जब तक कोई अधिकारी सामने नहीं आएगा या नहीं बता पाएगा कि आखिर किस वजह से ये पूरी छापामार कार्रवाई जो है वो की गई है, कि किस संदर्भ में रेड की गई है, तब तक अभी लगातार जो है वो राजनीतिक हलकों में सियासी जो चर्चाएं हैं वो जरूर चलने लगी है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस बात की को कह रहे हैं कि हमें पहले से ही मालूम था कि जो बीजेपी है वो इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इस तरह का आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अब लगा रहे हैं। जी, ये जो डेस्परेट हमने देखा था, जिस डेस्परेशन के साथ कल कार्रवाई हुई और छानबीन यहां पर हुई, नदी नालों को तक यहां पर खंगाल दिया, शैलेंद्र, क्या इसी तरह पुलिस आज भी जुटी हुई है? विधायक के यहाँ पर भी कार्रवाई हुई थी, माना जा रहा था कि उनके शराब होने की सूचना पुलिस को मिली थी, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया था और जिस तरीके से कुछ भी वहां पर उनको नहीं मिला था, और अब जिस तरीके से कार्रवाई की गई अभी आधिकारिक तौर पर ये माना जा रहा है कि कुछ भी अब तक की कोई ऐसी जानकारी नहीं जिससे ये कहा जा सके आचार संहिता का उल्लंघन के लिहाज से कुछ सामग्री मिली हो या कैश की बात हो या अन्य जो चीजों की बात हो, इस तरह की कोई चीज अभी तक बरामद नहीं हुई है। केवल जिस तरीके से कल भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और आज भी जो है वो अंजाम लगातार कार्रवाई को दिया जा रहा है, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर इसमें किस तरह की चीजें जो है वो मिल पाएंगी। कुछ कांग्रेस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कमलनाथ जी के बंगले पर जिस तरीके से रेड हुआ, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सीधे सीधे लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रहार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई अपनी हार को सामने देखते हुए
ये इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाए, ये सीधा सीधा एक कुचक्र है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पड़े हुए हैं प्रदेश के तमाम मुद्दों को छोड़कर, केवल छिंदवाड़ा ही क्यों, अगर उनको दिखना है तो सारे मध्य प्रदेश को देखिए एक नज़र से, लेकिन ये हार का भय है जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे दिख रहा है। और भी लोग सर किस तरह को कार्रवाई को देख रहे हैं आप, और क्या लगता है कि कुछ तथ्यात्मक अभी तक कुछ जानकारी आप लोगों को? देखिए अगर शिकायत होती तो आरके मगलानी जी को थाने बुलाकर पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन चार थाने की पुलिस को भेजना क्या उचित है? किसी के घर में अगर आप जाते हैं तो सर्च वारंट का इशू हुआ था क्या? ये सब कुछ न्यायिक जो प्रक्रियाएं हैं उसका पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पालन नहीं कर रही है, और चुनाव में कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और निश्चित रूप से इस तरह की जो वो कदम उठा रहे हैं उससे कांग्रेस कभी विचलित नहीं होने वाली है। तो देखिए तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाइयों को अंजाम जरूर दिया जा रहा है, इस बात का अंदेशा उनको पहले से था, लेकिन कांग्रेसी जो है वो विचलित होने वाले नहीं है, ये सीधे तौर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो कहते नजर आ रहे हैं। ठीक 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 नेहा जी, पहले बीजेपी का बयान आता है कि नकुलनाथ जी के यहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश है, सामग्री है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद ये जो तस्वीर निकल करके आती है उइके साहब के यहाँ पर कल दबिश दी जाती है, जितना डेस्परेटली पुलिस पहुंचती है और छानबीन करती है, क्या ये नहीं लगता कि प्रेशर में ये सब किया जा रहा है, तभी तो कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो आप लोग कहेंगे कि कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है, और पुलिस काम कर रही है तो आप कह रहे हैं कि पुलिस क्यों काम कर रही है। अगर कमलनाथ जी बेगुनाह हैं तो कमलनाथ जी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों के यहाँ से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, शराब की बोतलें मिल रही हैं, कहीं गुंडागर्दी हो रही है। अभी मैं स्वयं परसों जबलपुर में थी, और जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस के गुंडों ने एक डिबेट शो के दौरान अशोभनीय हरकत की है, सिर पे रॉड मारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूनम खून किया है, ये हमारे सामने है। अगर उनके पास 65 साल केंद्र की सरकार रही है, अगर 65 साल की उपलब्धियां भी बता देंगे तो इस तरीके का व्यवहार सामने नहीं आएगा। अब कमलनाथ जी को रोने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो शायद पश्चाताप कर रहे हैं 84 के नरसंहार का, वो शायद पश्चाताप कर रहे हैं 15 महीने की सरकार का, वो शायद पश्चाताप कर रहे हैं कि जिस मॉडल को वो बता रहे थे उस मॉडल उस जिले में कुछ है ही नहीं, वो शायद पश्चाताप कर रहे हैं 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो नहीं दिया उसका। और इसीलिए कमलनाथ जी अपने पुत्र को ले आए, और पुत्र को लाने के बाद अब पुत्र वधू भी बाहर निकल आई है। तो अब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, छिंदवाड़ा की जनता हो, कमलनाथ जी के करीबी हो या कांग्रेस के आला नेता हो, सबने मन बना लिया है कि एक विजन वाला प्रधानमंत्री हमारे पास है और उस प्रधानमंत्री को शीर्ष पर पहुंचाना है, फिर एक बार मोदी सरकार को लाना है और अब की बार 400 पार। पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो है कि दुरुपयोग कहीं ना कहीं बीजेपी करती है, अधिकारियों को पहुंचती है या एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। आखिर कमलनाथ ही क्यों, आखिर कांग्रेस ही क्यों, ये सवाल बार बार उठता रहा है। नहीं तो कांग्रेस बता दे कि आखिर घोटाला कांग्रेस और कमलनाथ जी और इन लोगों ने क्यों किया। चीन से चंदा क्या कमलनाथ जी ने नहीं लिया था? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब इन पे आरोप लगे, जब इन पे एफआईआर दर्ज हुई, इनकी स्वयं की सरकार नहीं थी क्या? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और जिस केस में वो उन पे कार्रवाई चल रही है, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो और चाहे जीजा, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कायम किए मुकदमे, कांग्रेस की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट से सारे मुकदमे दायर हुए हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कोई वेंडेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा नहीं है। इनके ऊपर इनके मुकदमे इनके समय के समय दायर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पर अगर चीन से चंदा लेने का आरोप है तो ये कांग्रेस के समय का है। अगर कमलनाथ जी ने 15 महीने में कुछ नहीं किया तो ये कांग्रेस के समय का। अगर 84 का दंगे में सिखों का नरसंहार हुआ तो ये कांग्रेस की सरकार के समय का है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आती है? एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, और अगर कमलनाथ जी किसी प्रकार से दोषी हैं, पुलिस पहुंची है तो आप हम सबके सामने आएगा, कांग्रेस को उसका सामना करना चाहिए। ये रुदाली गैंग बनने की जगह है या विलाप करने की जगह? जी जी अभिनव जी, आखिर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई, ये सब गलत है, आखिर अगर आपको भरोसा है तो क्यों कांग्रेस डरी हुई है? एकमात्र ये है कि एकमात्र छिंदवाड़ा बचा है, कहीं वो भी हाथ से ना चला जाए, इस वजह से डर बना हुआ है कांग्रेस में?
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपका भी, अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से बीजेपी